असल व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आज जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ वो हकीक़त पे मबनी है मेरी अपनी आंखों देखी सो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या अठारह साल से कम उम्र बच्चे आपके पास बैठे हैं तो प्लीज़ उनसे दूर ले जाइए अपना मोबाइल और खामोशी से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आपके दो मिनट आपके तीन मिनट शायद आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बड़े जरूरी हों तो बताना मैं आपको ये चाहती हूं कि वो बच्चे आ, वो वालदे जिनके बच्चे वैन्स पे या रिक्शा में स्कूल जाते हैं ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी जिनके आस पड़ोस के या रिश्तेदारों के बच्चे इन चीज़ों पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा मेरा कहने का मकसद ये है कि गौर करें कि क्या बच्चे वो महफूज हैं कभी कभार साथ अपनी गाड़ी लगा लें ये चेक कर चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चे महफूज होकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे ये बात मैं क्यों कर रही हूं हुआ कुछ यूं है कि Uh, मेरा जाना एक सोसाइटी के अंदर हुआ वहां पे मैंने देखा कि एक वैन जा रही है छोटे वाली जो कैरी डब्बा होता है उसमें वैन के ड्राइवर ने बच्ची छोटी थी चार पांच साल की बच्ची होगी जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल अर्ली क्लास की छोटी सी बच्ची होगी ड्राइवर ने बच्ची को जो है ना वो अपने गोद में बिठाया हुआ था बिल्कुल दोनों लेग्स के बीच में बच्ची को छोटी को बिठाया हुआ था और बच्ची का जो चेहरा है वो इतना इरिटेट हुआ हुआ था इतना परेशान था कि वो अपना रोना रोक रही थी और जब्त किए बैठी थी और फुल डरी हुई बच्ची थी आ, मुझे वहाँ पे काम था मैं मेरी नजर पड़ी कि गाड़ी बहुत स्लो जा रही है और स्कूल के यूनिफॉर्म में बची है और बच्ची गोद में बैठी है मुझे बात थोड़ी हजम नहीं हुई पहले मैंने कहा शायद बेटी हो ड्राइवर की बेटी हो और वो उसको लेके घर जा रहा हो वैन में और बच्चे नहीं थे बिल्कुल वो खाली थी वैन खाली वही बच्ची थी और उसको यहाँ पे बिठाया हुआ था गोद में फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि अगर अपनी बेटी है तो अभी साथ वाली सीट खाली है बच्ची को इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको गोद में लिया जाए तीन साल का बच्चा भी हो तो हमारी कोशिश होती है कि उसको साथ बिठाए मैंने गाड़ी थोड़ी सी साथ लगा ली गाड़ी वो बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी और जब मैंने गाड़ी साथ लगाई तो मैंने देखा कि आ, ड्राइवर ने मतलब बताते हुए मुझे खुद शर्म भी आ रही है और मेरा जो है ना वो कह लें कि दिमाग फटने वाला हो गया देख के कि उसने अपने कपड़े जो है वो नीचे किए हुए हैं और बच्ची के भी कपड़े थोड़े से डाउन किए हुए हैं मतलब इससे ज्यादा साफ अल्फाज में मैं आपको नहीं बता सकती आप समझदार हैं आप समझ जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस तरह किए हुए और बच्ची को उसने वहां पे बिठाया हुआ है और बच्ची फुल रोने वाली हुई हुई है मैंने साथ लगा के हॉर्न शॉर्न मारे हैं उसको रोकने के लिए कहा साथ साथ गाड़ी उसकी चल रही थी और साथ साथ मैं कभी आगे हो रही हूँ कभी पीछे हो रही हूँ ना गाड़ी के मेरी गाड़ी उस गाड़ी के आगे पीछे हो रही है कि चेक करने के लिए मैं उसको देखना चाह रही थी जब मैंने ये सारी सिचुएशन पे गौर किया तो उसने स्पीड बढ़ा ली गाड़ी की और बच्ची को और इसी दौरान बच्ची को उठा के साथ कर दिया गाड़ी वो भगाता रहा भगाता रहा मैंने भी गाड़ी उसके पीछे लगा ली और उसके बाद वो एक और इलाके में एंटर हुआ उसी सोसाइटी के बाहर का एक इलाका था गलियों में जाके मेरी गाड़ी मुसलसल उसके पीछे रही सो so, वो जरा मेरे से आगे था क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी मेरे पास गाड़ी बड़ी थी और ऊंची थी और ऊंची गाड़ी में से आपको पता है कि चीजें ज्यादा नजर आती हैं साफ क्लियर नजर आ रही होती हैं उसको पता था कि ये अब मेरा पीछा कर रही है और इसने कुछ ना कुछ देखा है वो तब तक रिलैक्स होकर उसने खुद को कवर कर लिया था बच्ची को भी कवर करके उसने बिठा दिया था साथ वाली सीट पर कैरी डिब्बा में घर के बाहर वो गया है उसने बैल दी है और बच्ची उतारी है और उनको पकड़ा के निकल गया है मैंने थोड़ा सा पीछे गाड़ी लगाई है मैं उतरी हूं मैंने बेल दी है पहले तो कोई निकल नहीं रहा था फिर निकले हैं तो फिर मैंने पूछा कि बच्ची उन्होंने कहा जी हमारी है वैन वाला जा चुका था इसी दौरान उसी जगह से टर्न लेके आगे की तरफ से ना वो निकल गया मैंने सारी सिचुएशन उनको बताई पहले तो वो बिलीव ही ना करें उनको लगे कि मैं शायद कोई बहरूपीय जिस तरह आ जाते हैं लूटने के लिए फिर मैंने उनको बताया कि मैंने जो आज देखा आप वो सोच नहीं सकती हैं तो उन्होंने फिर बताया कि बच्ची इसी तरह डरी डरी आती है और छुट्टी से थोड़ा सा लेट हो जाती है आधा घंटा पैंतीस मिनट तो हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि रूट पे बाकी बच्चों को भी छोड़ना होता है छुट्टी के दौरान तो इसलिए फिर इस बच्ची का घर थोड़ा सा आगे पड़ता है तो फिर आते आते आधा पौना घंटा लग जाता है और बच्ची ऐसी सहमी भी होती है तो हमें यह है कि शायद स्कूल जाती है स्कूल जाने वाले सारे बच्चे ऐसे डरे डरे होते हैं मैंने जब उनको सारी सिचुएशन बताई कि ये सारा कुछ आपकी बच्ची के साथ हो रहा है कि आपने कभी अपनी बच्ची से पूछा या बच्ची ने आपसे बताया और आप सिर्फ यही समझ रहे हैं या आपने स्कूल जाके कभी पूछा है कि बच्ची इतनी डरी सहमी आती है और वो बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैंने स्कूल नहीं जाना हो सकता वो डर स्कूल का ना हो वो वैन वाले का डर हो कभी आपने ये चीज नोटिस की है सो ये वाक्य बताने का फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ा ड्राइवर को उसने आना बंद कर दिया क्योंकि उसको पता था कि अब मैं पकड़ा गया हूँ फिर भी उन्होंने उस तक एक्सेस ली उसको पकड़ा और उसके बाद जो उन्होंने उसका मामला किया वो एक अलग केस है मुझे ज्यादा लंबा मैं उसको नहीं जान सकी क्योंकि वो किसी का पर्सनल मैटर था मैं उसमें अगलों को भी अजीब लगना था आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अवेयर रहें इन चीजों से अवेयर रहें बच्चों को आप मम्मी डैडी होके खाली बैड टच गुड टच इन चीजों तक ना रहे कि बेटा दिस इज बैड टच दिस इज गुड टच थोड़ा सा इसको डीप चले जाएं और खुल के बताएं कि बेटा बैड टच और गुड टच क्या है प्राइवेट पार्ट कौन से हैं कपड़ों को कोई इधर से हटाता है या ऐसे करता है तो आपने बताना है बच्चों के दोस्त बन के खुदारा उनको बताएं खुल के बताएं वरना आप नहीं बताएंगे तो लोगों ने सारी शर्मे साइड पे रख देनी है बहुत छोटे बच्चों का मामला है पहले ही हमारे मुल्क के लोग इतने भूखे कुत्तों की तरह जो है वो हुए फिर रहे हैं कि उनका उनका बस नहीं चल रहा कि वो किस किस को नोच के खा जाए ये आपके बच्चों की जिंदगी का मामला है हो सके तो इस वीडियो को आगे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा बहुत से शरीफ लोग हैं अगर खुदारा कोई वैन ड्राइवर या रिक्शे वाले ये वीडियो देख रहे हैं मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं लेकिन आपके भी बच्चे हैं बाकी सारी कौम के भी बच्चे हैं और बच्चे सबके इतने ही प्यारे होते हैं सबको मेरा कहने का मकसद है कि किसी को नहीं पता होता कि आगे वाला बंदा है उसके इंसान है या शैतान है सो नजर रखें और बारीकी से नजर रखें सारी दुनिया के काम एक साइड पे लेकिन ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे सबक हासिल कर सकें और थोड़ा से अपने बच्चों के बामरे में मोहतात रहें बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज